सैयद है, मैं जो है ना एक लीडरशिप ट्रेनर और कोच रियाद में रहता हूँ। अभी यहाँ पे आमिर साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और उनके ताल्लुक और उनकी मोहब्बत की वजह से यहाँ पे है। छोटा सा सेशन कामयाबी पे ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा ताल्लुक आप एक दूसरे करा दें तो अपना राइट से शुरू करेंगे। नाम और मसरूफियत का? मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं। अच्छा, ये गली में मैं से कर रहा हूं। चलिए माशाल्लाह, थैंक यू। आप ये भी है, मैं ये प्राइवेट एम्प्लॉयर थैंक यू। अच्छा ठीक है, शुक्रिया जी। मैं नाम सैयद, मेरा मैं जी वेलकम मेरा सर। आई एम मोहम्मद असद, I will do training and recruitments. Training and recruitments. Shukriya sir. I am Mohammed Yaswan. I am a chemical engineer. Training and recruitment is working on. Thank you. Good job. Ji. My name is Mohammed Yaswan. I am pursuing my engineering studies. Very good. Thank you for coming. Right. Okay. हम जो आज तक जिस तालुक से बात कर रहे हैं, किस तालुक से बात कर रहे थे आप? हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात कर रहे हैं ना? सक्सेस पे बात कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। सक्सेस पे बात करने से पहले ऑन करना है क्या हम सब? ये ओके दबा के कर रहा हूँ। चलिए साहब, हम जो है ना ये सेशन बड़ा इंटरेक्टिव होगा और इसमें जो है ना काफी सारे सवाल करूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? ये माना यह जाता कि दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल ये जिंदगी क्या, व्हाट इज लाइफ? अच्छा ठीक, द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू लर्न। कोई सही और गलत जवाब नहीं है, ठीक है। अपना अपना परसेप्शन, अपना अपना ओपिनियन, ठीक है। तो आप आराम से, मैं जो है ना आपका कोई प्रोफेसर नहीं हूँ जो आपको इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स दू, ना मैं जो है ना आपका बॉस हूँ या आपका प्रमोशन दू, ठीक है। ना मैं आपका कोलीग हूँ, ना मैं आपका दोस्त हूँ ताकि लोग ना फिर बाद में मुझे छेड़ सकता है कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा। तो यू हैव द फुल राइट टू कमिट मिस्टेक्स, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, इट इज जस्ट योर ओपिनियन, ओके। सो मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, इट इज जस्ट योर ओपिनियन। सो व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? अहम चीज है ना भैया, जो जो जी नहीं, अगर वो ही नहीं पता तो फिर क्या पता? जिंदगी क्या है? जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वेरी गुड, इट्स अ जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और कुछ? या इट्स अ जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, राइट? सेम टाइम व्हाट यू, एट द सेम टाइम फाइंडिंग द पर्पस ऑफ बीइंग हियर। वेरी गुड, फाइंडिंग द पर्पस ऑफ बीइंग हियर। देखिए अभी इसका एक जो सिंपल डेफिनेशन है ना, आसानी से जो डेफिनेशन सा भाई ने अच्छा दिया वो है जर्नी फ्रॉम, इट्स अ जर्नी between birth and death, B and D, B पे शुरू हुआ, D में खत्म हुआ। अब ये B और D के बीच में क्या है सर? C, C stands for choice। अल्लाह ताला जो है ना B और D के बीच में एक आपको जो चीज दिया है वो दिया है choice। अब वो choice सही करेंगे तो life अच्छी है, choice खराब करेंगे तो life खराब। अब ये एक चीज से जो चॉइस का शऊर जो है अल्लाह ताला ने बाद में दिया, जिंदगी पहले दी। आई बात सुनो, ठीक है। आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, अल्लाह ने आपको शऊर कब दिया? किसी को 20 साल में आया जिंदगी कैसे जीना है, किसी को 40 में आया, किसी को 60 में आया, किसी को आया ही नहीं, पता ही नहीं चला आए क्यों और गए। अगर पैदा होना, बड़े होना, शादी करना, काम करना, बच्चों को पालना, पैदा और मर जाना, ये अगर जिंदगी है तो ये जिंदगी का मकसद नहीं है। ये तो कोई भी जीवन का मकसद, ठीक है।
animals also live in this earth. Am I right? Correct? So, ye B aur D ke beech ka jo rasta hai, wo hai C. Use kehte hai choice. Ab choice kaise karna hai, aur choice karne pe kya milega, ye ek lambi tafsir hai. Wo inshallah phir kabhi hum baith ke baat karenge. Hum thoda sa aage jayenge ki jo hai na B aur D ke beech ka jo hai na iraada hai. चॉइस के बीच में आपको जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? जिंदगी में सबसे अहम चीज सिंपल भाई, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, मैं कोई साइंस और मैं चांद और सूरज के बारे में नहीं पूछा। जैसा जिंदगी आपकी है वैसे आपको इस जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ और क्या है? वर्क, ठीक है। जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? पर्पस। पर्पस, ओके। और कुछ? खुशी। सक्सेस से ज्यादा जिंदगी में हर किसी को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। सही है गलत? हर कोई क्या चाहता है? भाई कैसे रहना, खुश हो और रहना, खुश रहना, सुकून रहना, जिंदगी कैसी रहना, आराम से रहना। कोई बोलते रोटी सूखी भी खा लिया तो परवाह नहीं है, मगर जिंदगी में खुशी रहना, आराम, चैन, चैन, सुकून। अब ये खुशी कैसा आती? खुशी कैसा? बाय वर्शिपिंग अल्लाह। बाय वर्शिपिंग अल्लाह, ओके, दैट इज वन ऑफ द मींस। और क्या है? सोच। सोच से खुशी पैदा होती है। ये चीज परचेस करने पर खुशी, फ्लैट मां या ऐसा। अच्छा, कोई चीज परचेस करने पे खुशी आती है, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स लाइफ्स। बाय कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स लाइफ। खुशी जो है ये और कामयाबी से आती है, राइट और रॉन्ग, क्लियर है? बट कैसे आती है? नाकामयाब आदमी तो खुश रहता, नाकामयाब आदमी के साथ रहना चाहते, दोस्ती भी नको बोलते, नको मजबूरी है तो सुकून में होने जब भी मैं जो हना परेशानी की बात कर रहा हूँ, सही है गलत? आप खाली ऐसा बात बोल देते आपके चेहरे पर मुस्कान, खुशी आ गई। तो जिंदगी में हर कोई ये चाहता कि वो कामयाब हो। Am I making sense? कुछ सवाल है, कुछ समझ में आ रहा? सिंपल बात में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी दी, ठीक है, वो जिंदगी का मकसद हम बाद में जानेंगे, जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, जिंदगी है क्या? जिंदगी शुरू हो रही बर्थ से, फिनिश हो रही डेथ पे। ये दोनों के बीच के रास्ते में आपको आया एक सी, वो है चॉइस, ठीक है। जैसा आप चॉइस करेंगे आपकी लाइफ वैसी रहेगी, ठीक है। अच्छा चॉइस करेंगे अच्छी रहेगी, खराब चॉइस करेंगे खराब चॉइस। अब ये पूरी बी और डी के बीच का जो रास्ते में सबसे अहम चीज क्या है आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खुशी, खुश रहना, ठीक है। सही है वो, गलत है, ठीक है। खुशी, हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हैप्पीनेस कैसे आएगी? वो कामयाबी से है, क्लियर है बात? आज समझ में नहीं कुछ सवाल, क्लियर है? चल ठीक। अभी जो है ना, सक्सेस क्या है दूसरा सवाल? अभी बोलिए जो ना, सुबह खाली नाश्ता करते सवाल शुरू कर दिए। सक्सेस क्या है सर? व्हाट इज सक्सेस? अब इसके तो जवाब बोलना मिलेगा सर। अचीविंग समथिंग यू डिसाइड।
अचीविंग सम गोल सम डिजायर ठीक है वो सक्सेस है और पीस ऑफ माइंड सक्सेस है और सक्सेसिंग माइंड सक्सेसिंग माइंड ठीक है और कुछ ग्रोइंग सक्सेस इज अ जर्नी इन व्हिच यू ग्रोइंग अपवर्ड्स कंटिन्यू ग्रोथ सक्सेस इज अ जर्नी व्हिच कंटिन्यू ग्रोथ बढ़िया बस ठीक है आज तक की जितनी हिस्ट्री है या जितनी साइंसेस है सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं अब तक सक्सेस को कोई भी डिफाइन नहीं किया नहीं कर पाया नहीं कर सकता क्यों क्योंकि आपके लिए सक्सेस है 90% मार्क्स लाना आपके लिए सक्सेस है अच्छी जॉब देना आपके लिए सक्सेस है अपने बॉस को इंप्रेस करना प्रमोशन लेना आपके लिए सक्सेस है अपनी बिजनेस को बढ़ाना आपके लिए सक्सेस है रिलेशनशिप हर किसी का अलग अलग है तो एक वन डिफाइन वन डेफिनेशन नहीं है सक्सेस का कि ये चीज कामयाबी है हर किसी के लिए अलग अलग है अरे सब बात समझ में आई ठीक है तो कामयाबी का देयर इज नो डेफिनेशन कोई एक फॉर्मूला नहीं है मगर जितनी अब तक की रिसर्च है कामयाबी